अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद टीवी के साथ मैं हूं शज़ा एजाज। नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2018 का आगाज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इफ्तिताह कर दिया। अमरीका, रूस, चीन समेत 50 ममालिक ने स्टॉल सजा लिए। दिफाई नुमाइश 30 नवंबर तक जारी रहेगी। पाक बैरिया का नया प्रोमो भी जारी। दिफाई नुमाइश के लिए कराची में खसूसी ट्रैफिक प्लान जारी। स्टेडियम फ्लाई से हसन स्क्वायर रोड आम ट्रैफिक के लिए बंद। कारसाज से नेशनल स्टेडियम आने वाला रोड भी बंद कर दिया गया। हैवी ट्रैफिक को भी स्टेडियम रोड जाने की इजाज़त नहीं। पाकिस्तान को पानी की कमी और बढ़ती आबादी जैसे मसाइल का सामना है। पाकिस्तान में नए डैम्स की तामीर नागुजीर है। लंदन में चीफ जस्टिस का डैम फंड रेजिंग तकरीब से खिताब, कहते हैं आने वाली नस्लों को बचाने के लिए कुर्बानी देने का वक्त आ गया। हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल हो गए, क्या कहेंगे सहाफियों का शाहिद खाकान अब्बासी से सवाल। साबिक वजीर आजम बोले इनको मजीद 100 दिन दे दें। लीगी MNA शाहिद खाकान अब्बासी की भी एहतसाब अदालत आमद। 100 दिन में एक तब्दीली जरूर आई है यू टर्न की। शर्जील मेमन कहते हैं बिलावल भुट्टो ने इमरान खान की हिमायत सिर्फ एक मामले पर की थी। 5 अरब रुपए से जायद करप्शन रेफरेंस में शर्जील मेमन को अदालत में पेश कर दिया गया। वजीर आजम इमरान खान का इंजमाम शुदा कबायली इजला में जल्द इंतखाबात कराने का ऐलान। कहते हैं पाकिस्तान दोबारा किसी दूसरे की जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। आर्मी चीफ के हमरा शुमाली वजीरिस्तान का दौरा। मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अस्पताल के कयाम का भी ऐलान। सरहद पर बाड़ लगाने के काम का भी मुआयना किया। वजीर आजम इमरान खान कल करतारपुर रहदारी का संगे बुनियाद रखेंगे। करतारपुर में पंडाल की तैयारी आखिरी मराहल में दाखिल। सिक्योरिटी इदारों ने दरबार और जलसगाह का कंट्रोल संभाल लिया। नवजोत सिंह सिद्धू आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आज रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस अनवार कासी के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस मुनक्किद किया जाएगा। नए चीफ जस्टिस अथर मिनल्ला की हल्फ बर्दारी कल ऐवान सदर में होगी। और मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज की रियासती दहशत गर्दी जारी। कुलगाम और पलवामा में मजीद 4 कश्मीरी शहीद। पलवामा में कई इलाकों का मुहासरा। टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। हुर्रियत की आदत की अपील पर वादी भर में मुकम्मल हड़ताल। उम्मीद टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए उम्मीद टीवी या विजिट करें हमारी वेबसाइट www.umeedtv.tv।